तो आज हमने घर में करी बारबेक्यू और साथ में बनाई कोयला कढ़ाई मज़ेदार सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा ब्लॉग है बारबेक्यू, तो हमने आज प्लान करा कि क्यों ना बारबेक्यू वगैरह, बहुत दिल चाह रहा था मज़े मज़े का मसाले वाली बोटियाँ खाने का। हमने अभी तक नहीं करी थी क्योंकि पूरी बकरीद गुजर चुकी थी, तो थोड़ी बारिश वगैरह चल रही थी, थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही थी, तो इस वजह से किसी का मूड नहीं हो रहा था। तो आज हमने पूरा प्लान करा है, तो हमारे साथ रहेगा, हम आपको जो है दिखाएंगे कि हमने क्या क्या बनाया है और क्या खाएंगे। तो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अब हमने कोयले जलाने रख दिए हैं, तो कोयले जल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। तो ये है हमारी चिकन और इसमें हमने लगाया है तंदूरी चिकन का मसाला। तो ये हमारी चिकन का मसाला लग गया है और इधर जो हमारा है ये है हमारा बीफ, और बीफ में हमने लगाया है टिक्का सीख कबाब का मसाला। तो ये है, इधर हमने ऑयल लिया है, हमने सीखे रखी है और बस हमारी जलने ही वाली है। तो ये हमारी बीफ की जो बिहारी बोटियाँ थी वो हमने मसाला लगा लिया है, और जो मसाला बचा हमें ऐसे बोटियों पे ही डाल देंगे, उससे होगा कि बड़ा चटपटा सा टेस्ट आता है, क्योंकि सारा मसाला ना वो बोटियाँ अपने ऊपर ले लेती हैं। तो ये देखें कितना यम्मी लग रहा है, ज़बरदस्त मसालेदार, वाओ। जो कोयले की स्मेल होती है और वो जो बोटियों की जो है ना, मुझे तो अभी से मज़े की भूख लगना शुरू हो गई है। यहाँ पे भी लोग कुछ इंतजार में बैठे हैं, अल्लाह के नाम पे भूख भूख से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने एक सीख लगा दी है जिसमें थोड़ी दो चिकन की बोटियाँ, थोड़ी बीफ की बोटियाँ लगाई हैं। देख के ही अम्मी अम्मी लग रही है, थोड़ा चख के तो देखें बाद में फिर बनाएंगे। मज़े का मूड बन गया है कढ़ाई भी खाने का, तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, चीज़ें निकालनी है। प्याज कट चुकी है, यहाँ पे टमाटर आ चुका है, कड़ी पत्ता, ऑयल। तो चले अब हम कढ़ाई भी बनाते हैं। अरे हम इसमें डालते हैं ऑयल, और अब हम इसमें डालते हैं प्याज। प्याज फ्राई होना शुरू हो गई है हमारी को, तो ये हमारी प्याज हल्की हल्की होने लगी है। अब हम इसमें ये हमने टमाटर पीस के रख लिए, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक, इतनी जगह दी है मुझे। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, बोनलेस चिकन लाए थे हम, और फिर ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो अब हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, पत्ता नीचे भी गिर गया, तो मसाला डालेंगे शान का कढ़ाई मसाला, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ना कलर बड़ा अच्छा आता है हल्दी से, ठीक है। तो बस चलो थोड़ी देर हमारी बोटियां भी हो रही हैं, ऑयल लगाते जाएंगे साथ साथ, कढ़ाई हो रही है, इधर बोटियां हो रही हैं। आज मैं बावर्ची का काम कर रही हूँ, वैसे तो मैं रोजाना ही खाना बनाती हूँ, पर आज बड़ा मजा आ रहा है, इस तरह भी बनाना चाहिए। गैली में ठंडी ठंडी हवा, खुला आसमान और मजे की हवा चल रही है, और फिर ऐसे में कढ़ाई बैठ के, मैं तो सोचू किचन गैली में शिफ्ट कर देती हूँ,
ज्यादा बेटर है। ये देखें गाइस हमारी कढ़ाई की मस्त सी शक्ल आने लगी है और खुशबू कड़ी पत्ते की जो आ रही है, बस अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे क्योंकि ये भुनने पे आ चुकी है। इधर हमारी बोटियां थोड़ी थोड़ी हो रही हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हरी मिर्च थोड़ी इसमें खुशबू छोड़ दें और ये थोड़ा भून भी जाए अच्छी तरह। तो ये हमारी मज़ेदार कढ़ाई रेडी हो गई है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बस अब रोटी आ जाए तो फिर हम आपको सारी चीज़ें एक साथ दिखाएंगे। तो ये हमारी तंदूरी चिकन और बोटी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं और काफ़ी सारी हम बना के रख चुके हैं, तो बस अब ये भी हो जाए तो फिर बताते हैं। तो जी सब रेडी हो चुका है, ये कढ़ाई, बोटियाँ, तंदूरी चिकन, चटनी, रायता एंड प्याज। पराठे हमने बाहर से मंगा लिए हैं और हम सब खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और थक भी चुके हैं। तो भाई हम हो गए हैं खा पी के फारिग, बहुत देर से सब बैठे बातें कर रहे हैं, अभी चाय वाय भी बनी और अभी रात के बज रहे हैं 3:30 और अभी भी सब बैठे बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया आज और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा हमारी रेसिपीज, इतनी तो मैंने बताई नहीं फिर भी कैसी लगी। और अब इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, रात को 4:30 बज चुके हैं, नींद आने लगी है, थक गए हैं और ये मैडम फ़ौरन मेरे पास आके बैठ गई हैं। ये आज नाराज़ हो गई हैं क्योंकि इनको हमने बंद कर दिया था, कोयले वोयले जल रहे थे, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि कल ना करे कोई आ जाए, तब ये नाराज़ बैठी हैं कि मुझे बंद क्यों कर दिया था। भी सबको हाय कर दो, हाय। तो बस अब यहीं पर करते हैं, अब हम भी सोते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी एक नई चीज़ लेके। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो अल्लाह हाफिज़।